उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कृष्णनगर में घर के बेसमेंट में लगी आग। बेसमेंट में मौजूद दो बच्चों की दम घुटने से हुई मौत। बेसमेंट में रखे गत्ते में लगी थी आग। काम कर रहे मजदूर के बच्चे आए चपेट में। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर बच्चों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने दोनों मासूमों को मृत घोषित किया। कृष्णनगर स्थित पकरी पुल के पास हुआ हादसा। नवबरा समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से विनोद कुमार मिश्र की रिपोर्ट। चल प्रताप सिंह, ये गोदाम किसका और किस चीज का था? ये गोदाम नहीं था, इसमें सामान रखा हुआ था टेंट हाउस का। जब से कोरोना चालू हुआ है तब से दुकान उकान बंद करके मैं अपने गांव अमेठी चला गया हूँ। अब उसके बाद आज सुबह मेरे पास फोन गया कि जो सामान आपका रखा था उसमें आग लग गई है, तो मैं अभी तुरंत पहुँचा हूँ। अब किस कारण से लगी, कैसे लगी, ये मुझे जानकारी नहीं है। इसमें किसी को कोई नुकसान हुआ किसी तरह का? अब दो बच्चे थे, उनको कुछ जो है दिक्कतें आई हैं तो वो हॉस्पिटल लेके गए हैं। किसके बच्चे थे? बच्चे कोई पुताई करने आए थे, उन्हीं के दोनों बच्चे थे। आपके यहाँ पुताई का काम चल रहा था? हमारे यहाँ नहीं, जिनका ये घर है। घर किसका है ये? घर ये नाम नहीं याद है मुझे, आंसू जी, आंसू का है, आंसू, आंसू का घर है जी। आपने किराए पे ले रखा है? किराए पे नहीं, ऐसे ही सामान रखा हूँ। जब से कोरोना लगा उसके बाद सामान ला के रख दिया हूँ। मैं ना किराया देता हूँ ना कोई बात है, ना मेरा ये अस्थाई गोदाम है। जब कोरोना चालू हुआ, कमाई ना होने के कारण मैं कुछ सामान कहीं रख करके मैं अपने गांव चला गया। बच्चे कितने बड़े होंगे? जो बच्चे लगभग एक साल के आसपास का है और एक जो है 3 साल के आसपास का है। ये पुताई वाले बच्चे? पुताई वाले? हाँ, पुताई जो कर रहे थे उन्हीं के बच्चे हैं। अब क्या तपता जलाया, क्या किया, कैसे आग लगी, ये भगवान जाने। किस तरह जले हुए हैं? जले हैं या कोई नहीं? बच्चे कोई नहीं जले हुए हैं, बच्चे बस वही धुआं से जो सांस भर गई हो वही है। अच्छा, ये किस जगह कहते हैं, क्या जगह पड़ती है? ये है पकरी। आलमबाग? पूरा पता क्या है इसका? इसका पकरी, आजाद नगर, आलमबाग, लखनऊ।